बीएससी एग्रीकल्चर फोर सेमेस्टर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रवि क्रॉप। क्वेश्चन नंबर एक, अंधी गुड़ाई किससे संबंध रखती है? गन्ना, गन्ने से। गन्ना की वृद्धि के लिए उच्चतम तापमान होना चाहिए 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना की वृद्धि कितने तापमान पर रुक जाती है? तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गन्ना की वृद्धि का तापमान पर वृद्धि उसकी रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना में कितने तापमान पर टिलरिंग में कम कल्ले निकलते हैं, यानी कल्ले 20 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड पर? गन्ना की तीन आँख वाली प्रति हेक्टेयर टुकड़े होने चाहिए, तो 40 से 45,000 प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना का बीज वजन के अनुसार होना चाहिए, तो 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरतकालीन गन्ना बुआई का समय है, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बसंतकालीन गन्ना बुआई का समय है, तो 15 फरवरी से 15 मार्च बसंतकालीन गन्ना की बुआई का समय है। और वर्षाकालीन गन्ना बुआई का समय जून से जुलाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना की नाली का आकार क्या होना चाहिए? तो आर गुड़े आर बराबर 90 सेंटीमीटर विद रा 40 से 45 सेंटीमीटर हाइटिस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना में भयंकर रोग कौन सा लगता है? तो लाल सड़न रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना परिपक्वता जांचने के लिए कौन सा उपकरण लेते हैं? तो हैंड रिफ्रेक्टोमीटर लेते हैं, रिफ्रेक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना की कटाई कब करनी चाहिए? 20 पाठ्यांक पर। गन्ना की उपज है 80 से 100 क्विंटल। गन्ना में कितने प्रतिशत चीनी बनती है? तो 10% चीनी बनती है। सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है? तो गन्ना 200 से 25 mm, 2000 से 2500 mm। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो उसका वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसेनेरम है, गन्ने का वानस्पतिक नाम। गन्ने का एरिया सबसे अधिक है ब्राज़ील तथा सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, भारत के उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुड़ किससे तैयार किया जाता है? तो वह गन्ना से तैयार किया जाता है। रम किससे तैयार होती है? तो वह मोलेसेस से तैयार होती है। सेकेरम ऑफिसेनेरम की उत्पत्ति हुई थी? तो वह न्यू गुनिया में हुई थी। गन्ने का पुष्पक्रम होता है ओपन पेंसिल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैदा होता है। भारत में चीनी मिलों की संख्या लगभग है? तो 400 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू को किस प्रकार की भूमि में उगाते हैं? तो दोमट बलुई मृदा में उगाते हैं। आलू किस प्रकार की फसल है? कोल्ड लिविंग क्रॉप है। आलू में अंकुरण के लिए तापमान चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू के लिए उच्चतम पीएच क्या होता है? 5 से 7 पीएच होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अम्लीय भूमि में आलू में रोग लग जाता है, तो वह स्केप बीमारी लगती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेती फसल के लिए बीज दर होती है, तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू को कितने प्रकार से बोया जाता है? तो मुख्यतः तीन प्रकार से बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू में एनपीके की क्या मात्रा रखते हैं? तो 120 अनुपात 80 सॉरी 120 अनुपात 120 अनुपात 80 अनुपात 120 रखते हैं, ए वाला। प्राकृत आलू की फसल में क्या करता है? खरपतवार नियंत्रण एवं अंकुरण बढ़ाना। खरपतवार नियंत्रण एवं अंकुरण बढ़ाना। सॉर्टिंग एंड कनिंग प्रोसेस किसमें की जाती है? तो पोटैटो में की जाती है, आलू में। आलू में स्टोरेज किस तापमान पर करते हैं? तो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड विद R.RH से 90 से 95%। अच्छे आलू में नाइट्रोजिनस पदार्थ होता है? तो 17 से 19% होता है, 17 से 19%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज उत्पादन के लिए आलू का हाल्मस काटना होता है जनवरी के अंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू की संकर किस्म कौन कौन सी है? तो JH 22 और JI 58 57, ये दो वरायटी संकर किस्में हैं। आलू की TPS वरायटीज कौन है? HPS 1/113 से एंड दूसरी C3 ए वाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो 40% आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना चीनी मिल सबसे अधिक कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना प्रजनन संस्थान SBI है, कोयम्बटूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR है, तो वह लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान। और भारतीय चीन संस्थान ISI कहाँ पर है? तो वह कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गन्ना में बीज चना में निपिंग क्रिया करते हैं? तो 40 डेज पर करते हैं, 40 डेज पर। चना में निपिंग का क्या उद्देश्य है? पार्श्व संख्याओं की वृद्धि करना, पार्श्व संख्याओं की वृद्धि करना। चना में किस प्रकार की सीड बेड होती है? तो रफ सीड बेड होती है। चना की प्रथम निराई गुड़ाई कब करते हैं? तो वह बोने के 20 से 25 दिन बाद करते हैं। और चना में एनपीके की मात्रा होती है तो 30:60 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 30:60:30। नेक्स्ट, चना को किससे उपचारित करते हैं? तो राइजोबियम से उपचारित करते हैं। चना में प्रमुख कीट कौन सा लगता है? तो वह फली छेदक लगता है। चना में उपज है 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चना में प्रोटीन होती है? तो 21% होती है चना में प्रोटीन, 21%। चना में कार्बोहाइड्रेट होता है तो 60% होता है। 100 ग्राम चना में कितनी ऊर्जा मिलती है? 360 से 372 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 कप चना में कितना वजन होता है? तो 150 से 160 ग्राम होता है। KTP1 क्या है? तो 3-फ्लोवर्ड है। हरे दाने वाली किस्म है? तो K13 IPC 71
के 50, ये तीन किस्में हैं। काबुली चना की बीज दर है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चना की फसल तैयार हो जाती है तो वह 140 से 145 दिन में चना की फसल पककर तैयार हो जाती है। चना की फसल में एरेक्शन की ज़रूरत होती है तो वह अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्यमुखी की बीज दर है तो 8 से 10 किलोग्राम बीज दर है सूर्यमुखी की। सूर्यमुखी की बुवाई की जाती है तो खरीफ में भी बुवाई की जाती है, रबी में, जायद में, तीनों ऋतुओं में की जाती है। सूर्यमुखी में लगभग लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं तो एल गुड़े एल 70 सेंटीमीटर और पी गुड़े पी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। एल गुड़े एल 70 सेंटीमीटर और पी गुड़े पी 20 सेंटीमीटर रखते हैं। सूर्यमुखी का तेल किन रोगियों को ज़्यादा खिलाया जाता है तो हृदय रोगियों को ज़्यादा खिलाया जाता है। सूर्यमुखी में बीजों की बुआई करते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर डीप पर बुआई करते हैं। सूर्यमुखी के कितने पौधे प्रति हेक्टेयर पाते हैं तो 50 से 60 हज़ार प्रति हेक्टेयर पाते हैं। सूर्यमुखी को पक्षियों से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं 5% मेलाथियन डस्ट का प्रयोग करते हैं। सूर्यमुखी में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है तो वह पोटास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्यमुखी में तेल कटाई के कितने दिन बाद तक तेल निकाल लेना चाहिए तो 100 दिनों बाद, कटाई के 90 दिनों के बाद तेल निकाल लिया जाना चाहिए सूर्यमुखी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ई सी 68414 सूर्या, CO1, SS56 आदि किस्में हैं तो यह सूर्यमुखी की किस्में हैं। सूर्यमुखी का तेल मुख्यतः जाना जाता है तो एंटी कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। सूर्यमुखी कृषि के किस सहायक धंधे में सहायक है तो सूर्यमुखी बी कीपिंग एपिकल्चर के लिए उत्तरदायी है। आज का सेक्शन यहीं समाप्त होता है।